श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री राधे। निर्जला एकादशी आपके सभी मनोरथ सिद्ध करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण उपाय, आज एक दीपक और विशेष हल्दी का उपाय जानेंगे। जैसे कि कुछ भी नहीं कर सके तो व्यक्ति को एक दीपक का उपाय तो सर्वश्रेष्ठ रूप से करना ही चाहिए। शास्त्र वर्णन कहता है, जो भी व्यक्ति विशेष तिथियों में सही तरीके से दीपक लगा देता है ना, उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं और कष्टों का निवारण हो ही जाता है। यह तिथि तो दुर्लभ हो रही है, अपने आप में कई सिद्ध योग का निर्माण होते हुए और साल की सबसे बड़ी एकादशी इसे कहा जाता है। इस दिन किए गए कोई भी उपाय, कोई भी कर्म निष्फल होते ही नहीं हैं, उनका किसी न किसी रूप में व्यक्ति को फल मिलता ही है। तो आप सभी को क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी को थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी लेनी है। श्रीहरि विष्णु को हल्दी अत्यधिक प्रिय है। पीला रंग जो है बेहद शुभ माना जाता है श्रीहरि विष्णु की पूजा में। गुरु ग्रह भी मजबूत होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। विवाह की सभी अड़चनें तत्काल दूर हो जाती हैं। तो कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी संभव हो तो आटे के दीपक का निर्माण करें, नहीं तो माटी का भी ले सकते हैं। माटी के दीपक का यूज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वह साफ सुथरा हो, पहले से इस्तेमाल किया हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु साफ हो। उसमें जो है ध्यान रखिए तेल ना पड़ा हुआ हो, घी ना पड़ा हुआ हो, और साथ ही उसमें ध्यान रखिए पहले से बत्ती ना पड़ी हुई हो। कई भूलवश यह गलती कर देते हैं कि उसमें ही तेल और बत्ती पड़ी रहती है और उसमें ही दीप प्रज्वलित कर देते हैं। यह पूजा पाठ का पूर्ण रूप से फल जो है निष्फल करने वाला होता है। साथ ही कभी भी दीपक से दीपक प्रज्वलित ना करें, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। अब आप सभी संभव हो तो आटे का दीपक बना लीजिए, नहीं तो माटी का भी ले सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को चले जाना है केले वृक्ष के नीचे दीपक लगाने। केला वृक्ष जो है श्रीहरि विष्णु की पूजा में सबसे पूजनीय माना जाता है, आप सभी जानते होंगे। केला वृक्ष के नीचे आप सभी को गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है। निरंतर प्रभु स्मरण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी या अन्य कोई सरल सा मंत्र, आप सभी इस दिन बहुत फल देने वाले माने जाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को जो है गोलबत्ती का घी का यह दीपक लगाना है। इसमें डालनी है एक चुटकी हल्दी। पूर्व दिशा की ओर इसका मुख होना चाहिए, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। केला वृक्ष पूजनीय है और श्रीहरि विष्णु का वासा माना जाता है। एकादशी के दिन इसमें जो है पूजन थोड़ा सा आप संभव हो तो पीला चंदन इत्यादि समर्पित करें, हल्दी भी समर्पित कर सकते हैं। केला वृक्ष के नीचे सर्वश्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। साथ ही आप सभी को दूसरा स्थान है पीपल वृक्ष के, जो है श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता में, वृक्षम मैं पीपल हूँ। तो आप सभी को एक दीपक गोल बत्ती का पीपल वृक्ष के नीचे भी जरूर से समर्पित करना है। साथ ही अपने घर के मंदिर में आप सभी को आवश्यक रूप से अपने देवी देवता, अपने पितृ, अपने इष्ट देवी देवता, अपने कुल देवी देवता का स्मरण करते हुए और श्रीहरि विष्णु से कहते हुए कि हे श्रीहरि विष्णु, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ नहीं कर सका, आप सभी जानते हैं मैं अज्ञान हूँ और किसी न किसी कारण से पारिवारिक शारीरिक विषमताओं से घिर रहा हूँ, मेरे दीपदान को आप स्वीकार करें और मेरे मनोरथ सिद्ध करें। अगर आप कहीं नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सके, तो सामान्य तौर पर सरल तरीके से घर के मंदिर में कोशिश करें एक अखंड दीप लगाने की। इस एकादशी की महत्वता अद्भुत है। इसमें कहा जाता है कि रात्रि भर दिन भर में जागरण किया जाता है, निर्जल उपवास किया जाता है और अखंड दीप लगाने का प्रावधान है। आप भी अपनी मनोकामना बोलते हुए एक घी का दीपक अपने घर के मंदिर में श्रीहरि विष्णु का ध्यान करते हुए लगा दीजिए और उसमें भी एक चुटकी हल्दी जरूर से डालिएगा। बिल्कुल आपको ऐसा सुफल प्राप्त होगा जैसा कभी नहीं हुआ है, देखिएगा, निश्चित ही आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से देवालय, श्रीहरि विष्णु का प्रिय कहीं पर भी आसपास मंदिर हो, शिव महादेव का मंदिर हो, तो वहां पर आप सभी को जरूर से एक दीपक लगाना ही है। साथ ही तुलसी, जो कि श्री हरि विष्णु की प्रिया हैं, एकादशी के दिन ध्यान रखें कि तुलसी की पत्ती आपसे टूटे नहीं और न ही जो है आप सभी उसमें जल समर्पित करें। बस आप सभी को माँ तुलसी की आराधना सेवा करनी है, दूर से दीपक लगा देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने स्थान पर खड़े होकर माँ तुलसी का आवाहन करते हुए आप तीन परिक्रमा भी लगा सकते हैं, निश्चित ही तुलसी पूजा को आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा ही। इस दिन जो है कई तरह के तुलसी के उपाय प्रचलित हैं, जैसे कि श्रीहरि विष्णु के मंदिर में तुलसी पत्र जो है उन्हें भोग के रूप में समर्पित करना, पीले रंग की वस्तु केला इत्यादि दान करना के, और साथ ही कुछ ऐसी वस्तु जो श्रीहरि विष्णु को बहुत प्रिय हैं, दूध में केसर इत्यादि समर्पित करना बहुत सुख फलों की प्राप्ति करवाता है। आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ इस दिन दान करें। इस दिन किया गया दान पुण्य पितरों का तारण करता है और सभी कामना सिद्ध करता है। तो कुछ सरल से उपाय चैनल पर पहले ही वीडियो के माध्यम से दे दिए गए हैं, उन दोनों उपायों को, तुलसी की लकड़ी का उपाय,
उपाय दिया गया है और साथ ही अन्य उपाय दिए गए हैं। कोई एक सरल सा उपाय चुनिए, अपनी पूजा संपन्न करें। कुछ ना कुछ अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार दान करने का प्रयास जरूर से कीजिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। हर हर महादेव। जय शिव शंभु।